हिंदी साहित्य को आम जनमानस तक पहुंचाने, अपने गीत कविताओं से लोगों को एक नई उम्मीद देने वाले देश के प्रख्यात गीतकार गोपाल दास नीरज को श्रद्धांजलि देने शुक्रवार को वृंदावन गार्डन में होगा कार्यक्रम का आयोजन। 4 जनवरी 1925 को इटावा उत्तर प्रदेश में जन्मे गोपाल दास नीरज का 19 जुलाई को 93 साल की अवस्था में निधन हो गया। नीरज पहले वो शख्स रहे जिन्हें शिक्षा और साहित्य दोनों क्षेत्रों में भारत सरकार के द्वारा 2 बार पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यश भारती पुरस्कार और विश्व उर्दू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। महाविद्यालयीन शिक्षक के रूप में शुरुआत करने वाले नीरज फिल्मों की तरफ मुड़ गए और इस क्षेत्र में उन्हें अपार सफलता हासिल हुई। नीरज थोड़े ही समय में साहित्य प्रेमियों के चहेते बन गए। नीरज को श्रद्धांजलि देने शुक्रवार को वृंदावन गार्डन में काव्यांजलि का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी साहित्य प्रेमी नीरज को श्रद्धांजलि दे सकेंगे। देश के प्रख्यात गीतकार, कवि, शायर और उससे भी बढ़कर उम्दा इंसान सम्मानी गोपाल दास नीरज, जिनका विगत 19 जुलाई 2018 को निधन हो गया है 93 वर्ष की उम्र में। हम ऐसे महान कवि गीतकार नीरज को याद करने के लिए आगामी 27 जुलाई यानी कल शुक्रवार को स्थानीय वृंदावन गार्डन में दिन में 2 बजे से एक सार्वजनिक श्रद्धांजलि सभा, जिसको हमने काव्यांजलि का नाम दिया है, आयोजित की गई है, जिसमें रीवा के सभी कवि, शायर, साहित्यकार, बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, नेता, अभिनेता, कलाकार, चित्रकार, पत्रकार, छायाकार, ये सारे लोग उसमें आएंगे और अपनी अपनी भावांजलि, अपनी अपनी पुष्पांजलि स्वर्गीय नीरज को सौंपेंगे। नीरज हैं क्या, उनका क्या व्यक्तित्व रहा है इस देश में, क्या भूमिका रही, वो संक्षेप में मैं आपको बताना चाहूँगा कि नीरज इंसानियत और मानवता के सबसे बड़े पक्षधर इस देश के कवि के रूप में रहे हैं। उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव पर सबसे बेहतर अपनी लाइनें लिखी हैं, जो हम सब के लिए आदर्श हैं, मिसाल हैं। नीरज जी कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारे को लेकर कि अब तो एक ऐसा बरक माने किताब का दो पन्ना जिसमें दोनों तरफ लिखा हो, अब तो एक ऐसा बरक तेरा मेरा ईमान हो, अब तो एक ऐसा बरक तेरा मेरा ईमान हो, एक तरफ गीता हो जिसमें एक तरफ कुरान हो, और काश ऐसी भी मोहब्बत हो कभी इस देश में, काश ऐसी भी मोहब्बत हो कभी इस देश में, मेरे घर उपवास हो जब तेरे घर रमजान हो, और कृष्ण की बंसी का आशिक तू भी हो जाएगा दोस्त, कृष्ण की बंसी का आशिक तू भी हो जाएगा दोस्त, वज़्म में तेरी अगर शामिल कोई रसखान हो, और मजहबी झगड़े ये अपने आप ही मिट जाएंगे, मजहबी झगड़े ये अपने आप ही मिट जाएंगे, और कुछ होकर नगर इंसान बस इंसान हो, और कुछ होकर नगर बस इंसान हो। और नीरज एक चीज़ और कहते हैं इंसानियत के, भाईचारे के लिए, और अपने विचारों के माध्यम से, एक गीत के माध्यम से कहते हैं कि बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ।